नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चुकंदर का सलाद। सलाद हमारे भोजन को तो स्वादिष्ट बनाता ही है, साथ ही हमें सेहतमंद भी रखता है। आइए हम आपको बताते हैं कि इसको बनाने के लिए हमने सामान क्या क्या लिया है। तो ये हमने एक बोल चुकंदर ग्रेट करके रख लिया है, ये कटी हुई हरी धनिया की पत्ती है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ खीरा है, ये एक बोल में कुछ अंगूर हैं और अनार के दाने हैं। इधर मैंने एक बोल गाजर भी ग्रेट करके रख ली है और ये थोड़ा सा मूली है, इसको भी ग्रेट कर लिया है। इसके अलावा मैंने एक छोटा सा टमाटर लिया है, अभी मैं इसको इसी सलाद को सजाने में इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए हम फटाफट इस सलाद को बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम एक गहरा बर्तन लेंगे। इसमें सबसे पहले हम इस चुकंदर को डालेंगे और इस गाजर को भी डाल लेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गाजर हम बचा लेंगे। मैंने थोड़ा सा चुकंदर भी बचा के रखा हुआ है। अब हम एक प्लेट लेंगे जिसमें हम सलाद को डेकोरेट करेंगे। तो बीच में हम इसको रख लेते हैं। ये कटे हुए खीरे हैं, इसको भी इसमें हम डाल देंगे। अब ये मूली ली है हमने, इसको हम साइड में डालेंगे। खाने में तो टेस्टी लगेगा ये सलाद, देखने में भी खूबसूरत लगे तो खाने वाले का मज़ा भी दुगना हो जाता है। कोई भी खाना हो तो वो अगर देखने में सुंदर लगता है तो खाने की इच्छा अपने आप ही बढ़ जाती है। अब हम इसमें ये अंगूर और अनार के दाने डालेंगे। थोड़ी सी इसमें हम जगह बनाएंगे ये गाजर डालने के लिए। इसी के ऊपर थोड़ा सा हम ये चुकंदर डालेंगे। चुकंदर वैसे भी इसमें पड़ा हुआ है। अब इस टमाटर को लेंगे हम और इस तरीके से इसको काटेंगे। इसमें हमें 6 भाग करने हैं। अगर आपसे 6 भाग नहीं होते हैं तो आप इसको 4 ही रखिए।
देखिए एकदम फ्लावर के शेप में आ गया है। तो थोड़ा सा हम यहाँ बीच में ये धनिया की पत्ती रख के और इसको रख देंगे इस तरीके से। बीच में इसमें अनार के दाने डाल देंगे। ये धनिया की पत्ती से ऊपर से इसको हम डेकोरेट करेंगे। अब ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। पहले मैंने चाट मसाला नहीं डाला है दोस्तों, ना ही इसमें नमक डाला है, क्योंकि अगर पहले से मैं डाल देती तो ये सलाद काफ़ी पानी छोड़ता और सलाद एकदम बेकार हो जाता है। तो ऊपर से हमने चाट मसाला डाला है और अब हम इसमें सादा नमक ऐड करेंगे। नमक भी आप तभी मिलाएं जब बिल्कुल सर्व करने का टाइम आ जाए, पहले से नहीं मिलाना है। और लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छी होती है और इससे स्वाद भी बढ़ता है सलाद का। तो लीजिए दोस्तों, हमारा ये चुकंदर का सलाद बनके रेडी हो चुका है। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही पौष्टिक सलाद है। इसको आप 2 मिनट के अंदर बना के तैयार कर सकते हैं और हमेशा के लिए चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।